हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसू जी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और ये वीडियो कल परसों की वीडियो है, कल तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी, तो ये परसों की वीडियो है जिसमें मैं चावल को लगभग 2 दिन तक पानी में फुला के रखी थी और पानी भी चेंज कर दी थी बीच में, क्योंकि वो थोड़ा महकने लगता है ना, ख़राब हो जाता है इसलिए। और परसों सुबह सुबह मैं इसको अच्छे से कपड़े पे फैला दी थी ताकि वो सूख जाए, उसमें का पानी निकल जाए। ये देखिए इस तरह का जब हो गया है, तो दोपहर में मैं जब फ्री हुई थी, सारा काम हो गया था, पूजा वूजा हो गया था, उसके बाद मैं इसको बनाने के लिए किचन में आई थी। और ये देखिए मतलब हल्का सा सूख गया था, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं था, एकदम ड्राई भी नहीं था, लेकिन सारा पानी सूख चुका था उसमें से। आप लोग देखिए समझ सकते हैं कि किस तरह से मैंने इसको ड्राई किया है, बहुत ज़्यादा भी ड्राई नहीं है। और ये देखिए इसमें मिक्सर में मैं अच्छे से इसको पीस लूँगी, जिसके बाद आगे की तैयारी मैं करूँगी। ये मैं अनरसा बनाने जा रही हूँ और ये मैं मिक्सर में अच्छे से पीस लूँगी, जो चावल का जो मैंने सुखा के रखा था ना उसी को, और पाउडर की तरह बन जाएगा। फिर हम उसको, ये देखिए इसको हम फिर चलने से अच्छे से छान लेंगे, जिससे कि उसमें का जो होता है ना मोटा मोटा थोड़ा दाना वो अलग कर लें, और जैसे कि वो थोड़ा सॉफ्ट बने अनरसा इसलिए। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि मैंने क्या गलती की है, और मुझे मेरा सारा मेहनत बर्बाद चला गया था, लेकिन ठीक था। आप लोग आगे देखते रहिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और ये मैंने जल्दी में अच्छे से इसको चाल लिया है, और कल सर जिस दिन मैं ये बना रही हूँ उसके एक दिन पहले सरस्वती पूजा था, और कल होके भी मैंने घर में पूजा किया था, तो आज भी मैंने साड़ी ही पहना था, इसलिए थोड़ा सा अलग भी लग रहा होगा आप लोग को। ये देखिए, और चीनी मैं उस चावल के साथ पीसना भूल गई थी, तो फिर मैं अलग से चीनी को पीस ली थी मिक्सर में। देखिए अच्छे से मिक्स करके हाथ से, और अब मैं इसको पानी डाल के इसको आटे की तरह गूंथ लूँगी। ये देखिए, और थोड़ा सा मैंने बादाम भी फ्राई मतलब कर लिया है, मतलब उसको भून के रख रही थी ताकि वो उसमें डलता है ना तो अच्छा लगता है। और ये देखिए सबसे बड़ी गलती मेरी यही है कि मैंने इसमें पानी ज़्यादा डाल दिया, और इस वजह से मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई थी। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर ट्राई करूँगी और बहुत अच्छे से बनाऊँगी, ऐसा मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ। और आप लोग को भी यही सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल भी पानी बहुत हिसाब से डालना पड़ता है, जैसे आटा सन गूंथते हैं ना उस तरह का होना चाहिए। और इसमें है क्या कि मैंने पानी ज़्यादा डाल दिया, वो पिघलने लगा, उसमें चीनी का भी था ना, तो इस वजह से पिघलने लगा और इसका गोली मैं ठीक से बना नहीं पाई थी इस वजह से। देखिए आप लोग कैसे मुझे इसको बनाने में कितना दिक्कत हुआ था, ये मैं हाथ में बना ले रही थी पर मेरे हाथ में ही सट जा रहा था इसका जो आटा है चावल का, वो मैं बहुत ट्राई कर रही थी पर संभल नहीं रहा था, तो मैंने ऐसे ही बना लिया। तो आप लोगों को मैं यही बताऊंगी कि आप लोग बिल्कुल सेम ऐसा ही करें, लेकिन ऐसा पानी ज़्यादा ना डालें, एकदम थोड़ा थोड़ा करके उसको आटा की तरह गूंथने का कोशिश करें, और थोड़ा टाइट ही रहने दें। ज़्यादा वो पानी डालने से ना मेरा सारा बेकार हो गया ये, तो बस। लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा था, मैंने कुछ लोगों को खिलाया भी था, मैं भी खाई थी, तो टेस्ट सेम था, बहुत अच्छा था, चीनी भी बहुत अच्छा पड़ा था, पर ये पानी ज़्यादा डलने की वजह से ये थोड़ा सा उसका शेप बिगड़ गया। तो कोई नहीं, लेकिन कोई नहीं, क्या वैसा तो छोटा मतलब इतना मेहनत मैंने 2 दिन से किया था, उसको फुला फुला के मैं चावल को रख रही थी, उसका पानी भी चेंज कर रही थी ताकि वो महके नहीं, लेकिन ये मेहनत मेरा बेकार हो गया, के लिए मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ। पर मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं बनाया था, इसलिए बहुत ज़्यादा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी।
लेकिन मेहनत बेकार जाता है तो लगता है कि हाँ क्या हो गया, मतलब लगता ही है, सबको लगता होगा। और ये आज का वीडियो है सुबह सुबह में, आज तो संडे है, पतिदेव घर पे ही हैं, वो दूध लेने बाहर गए हैं, तब तक मैं अपना घर का थोड़ा मोटा सामान वामान जो है वो सब ठीक ठाक कर रही थी, बेड ठीक कर रही थी। और ये मैंने मच्छरदानी लगाया है, 2 दिन पहले लगाया है, तब से मैंने कभी भी मच्छरदानी यहाँ पे नहीं लगाया था। पंखा चला के और कंबल लोड़ के सो जाते थे ताकि मच्छर ना काटे, और मच्छर ने मुझे मेरा इतना बुरा हालत कर दिया था कि क्या बताएं, फेस पे काट काट के फेस एकदम ख़राब कर दिया था। तो इसलिए मैंने ठान लिया था कि अब मैं मच्छरदानी यूज़ करूँगी, और लगाने का साधन नहीं था ना, इस वजह से नहीं लगा रही थी। लेकिन जुगाड़ होता है ना, जुगाड़ करके फिर कील विल लगाए हम लोग दीवार में, फिर जाके वो सेट हुआ। और आज सुबह मैंने दलिया बनाया था, वो आपने पहले देखा अभी, उसके बाद मैं साफ सफाई, मतलब सब कुछ तो हो ही चुका है क्योंकि नाश्ता आज पतिदेव ने कहा था कि दलिया के लिए, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा फिर से भूख लगा है, तो फिर से मुझे रोटी सब्जी भुजिया सब कुछ बनाना पड़ा था। और आज संडे है तो वो भी थोड़ा लेट तक सोए रह गए थे और मैं भी सो ही रह गई थी, लगभग 7:30 बजे उठना हुआ आज, ये देखिए। और उन्होंने कहा था कि और भूख लगा है, दलिया से कुछ नहीं होगा, घर पे रहते हैं तो थोड़ा उनको ठीक लगता है खाने पीने में, तो वह मैं सेम का भुजिया बना रही थी। और आऊँगी नहा के तो फिर बाकी का काम करूँगी किचन का, और मैं भी नहा हुआ के पूजा वूजा करके सब रेडी हूँ, नाश्ता भी मैंने दलिया कर लिया है। और अभी मैं सब्जी बनाने जा रही हूँ, आलू और सीम का, सीम ज़्यादा ले आई थी मैं, तो उसी सीम का मैंने थोड़ा सा भुजिया बना लिया था अपने लिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो सीम नहीं खाते, तो इसलिए मैंने सिर्फ अपने लिए भुजिया उसका बनाया। और अभी मैं बना रही हूँ आलू और सीम का सब्जी, जिसमें मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। और आज संडे है तो थोड़ा बाल बाल धो के नहा लिया था मैंने, तो बाल पूरा गीला है और ठंड भी लग रही थी। और कल ही मेरा तबीयत ख़राब था साइनस की वजह से, पूरा मेरा हालत ख़राब हो गया था, सर दर्द और मतलब सर नीचे ही नहीं किया जा रहा था, एकदम कोई काम करने में भी नहीं बन रहा था। और आज संडे है तो बाल धोना ही था, इसलिए आज थोड़ा ठीक लगा तबीयत तो मैंने बाल धो लिया। और जल्दी जल्दी फिर आने के बाद मैं खाना भी बनाने के लिए किचन में आ गई थी, खाना नहीं मतलब नाश्ता। और लगभग 11:30 ही बज रहा होगा लगभग, और दोबारा से मैं नाश्ता ही बनाने के लिए किचन में आई हूँ, जिसमें मैं आलू सेम का सब्जी बना रही हूँ। और ठंड भी मुझे लग रही थी, पर जल्दी जल्दी में हर बार में मैं स्वेटर नहीं पहनी, बाद में मुझे लगा कि अब ठंड लग रही है पहनना चाहिए, लेकिन मैं पूरा नाश्ता बना के ही गई थी फिर, तो ठीक से मतलब स्वेटर वगैरह पहनी थी, क्योंकि थोड़ा सा भी ठंड लगती है मुझे तो मेरा बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाता है साइनस की वजह से। बस ठीक है थोड़ा। और ये देखिए सब्जी में मैंने जो रोज़ डेली यूज़ में मसाला मैं यूज़ करती हूँ ना, वो सारे मसाले, टमाटर, नमक और बाकी सब्जियाँ अब तो देख ही रहे होंगे, सबको फ्राई करने के लिए मैंने डाल दिया है, नमक भी साथ साथ मिला दिया है और ढक दिया है, गैस को कम कर दिया है। और बाकी जो थोड़ा बहुत इधर उधर छींटा पड़ जाता है तेल का, वो सब मैं पोछ पोछ के हटा रही थी। और बर्तन जो है जिसमें मैंने सब्जी काट के रखा था, उन दोनों को भी धो के साथ ही साथ हटा दिया है, ताकि वो ज़्यादा भीड़ भाड़ बाद में ना पड़े। और ये पतिदेव सब्जी लेके आए थे कद्दू बड़ा सा, और ये मैं लाई थी मटर, कल गई थी मार्केट, कल नहीं परसों गई थी मार्केट, तो मैं मटर लेके आई थी, वही मटर में टोकरी में डाल रही थी, वो पन्नी प्लास्टिक में बंद बंद ना, वो ख़राब सा हो जाता है, फंगस जैसा लग जाता है, तो इसलिए मैं उसको टोकरी में डाल के फिर खुले खुले में रहता है ना तो ठीक रहता है इसलिए। और मैंने जैसा कि बताया कि सुबह में मैंने दलिया बनाया था उनके कहने के अनुसार, लेकिन फिर से उनको भूख लग रही थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे रोटी चाहिए, तो फिर से मैं नाश्ता ही बना रही हूँ। और इसके करने के बाद फिर बाद में जैसे मैं खाना खाएंगे वो तो चावल दाल बना लेंगे, ये देखिए। और फटाफट मैं जल्दी जल्दी आटा भी गूंथ रही थी, और आटा सामने वाला जो कटौती होता है वो है मेरे पास, पर मुझे थोड़ा सा बनाना है अभी, तो मैंने सोचा कि बड़ा सा कटोरा टाइप का टिफिन है, ये टिफिन है बड़ा सा, तो मैंने सोचा कि इसी में कर लेते हैं, छोटा सा है, ज़्यादा गंदा नहीं होगा, मतलब
छोटा है, जल्दी साफ हो जाएगा, ये सोच के मैं उसी में आटा का गूंथ ले रही थी। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। ये देखिए आटा बहुत थोड़ा सा था तो आटा जल्दी से गूंथ गया, और फटाफट मैं हाथ धोऊंगी और ये सब हटा के जल्दी से फिर मैं रोटी बनाऊंगी, रोटी और सब्जी पति देव को दूंगी क्योंकि वो सुबह से दम शोर मचा रखे हैं बच्चों की तरह। आज संडे है फिर भी, और ठंड के मारे मुझे सर्दी भी फिर से होने लगी है, इसलिए मैं डर गई थी और जल्दी जल्दी सर को ढक ली थी ताकि थोड़ा सा आराम मिले। लेकिन इसके करने के बाद ही मुझे थोड़ा सा रिलैक्स होगा, काम जल्दी से हो जाता है, फिर मैं आराम से जाके बेड में घुस जाऊंगी, फिर मैं ठीक रहूंगी। और बाल धो के मैंने नहा लिया है ना, इसलिए भी थोड़ा सा ठंड लग रही है, गीले बाल हैं। और ये देखिए सब्जी भी लगभग फ्राई हो चुका है, लेकिन अभी पका नहीं था, उसमें पानी भी डालना बाकी था, लेकिन वो हल्ला इतना कर रहे थे ना कि फटाफट एकदम जितना जल्दी हो सके उतना देने की कोशिश कर रही थी ताकि वो शांति से अपना। और मैं उनको सुबह सुबह बोल रही थी कि मैं रोटी ही बना दे रही हूँ, तो नहीं, वो अपने मन का काम ही करते हैं, बोलते नहीं दलिया या पोहा कुछ भी दे दो हल्का फुल्का, और उनको पता होता है कि बाद में उनको भूख लग जाएगा, पर वो मेरा बात ही नहीं सुनते, बाद में वही होता है जो मैं बोलती हूँ, लेकिन क्या करें। और आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।